बधाई हो अर्जुन। और आपको भी बधाई हो आचार्य द्रोण कि आपने मेरे लिए एक श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी तैयार किया है। अब समय है अंतिम द्वंद का, जो कुमार दुर्योधन और अर्जुन के बीच होगा। विजयी भव पुत्र दुर्योधन, अपने गुरु की शिक्षा की लाज रखना अर्जुन पुत्र। ये क्या, दुर्योधन अर्जुन से इतना दूर क्यों खड़ा है? इतनी दूर से गदा का प्रहार कैसे कर पाएगा? कुछ तो है, लगता है दुर्योधन युद्ध के लिए गदा नहीं कोई और नीति प्रयुक्त करेगा। मुझे फूंक से उड़ा देने का स्वप्न देखा था ना आपने? पहले मेरे बाणों की आंधी से तो बच के दिखाइए। अचानक चक्रवात कहां से आ गया?
धनुर्धरों के पास चक्रवात को काटने का कोई उपाय नहीं। उपाय है शैलास्त्र, परंतु उसके लिए चक्रवात के भार होना होता है जो अर्जुन नहीं है, या फिर ध्यान स्थिर करना पड़ता है जो दुर्योधन अर्जुन को नहीं करने देगा। अर्थात विजय दुर्योधन की होगी? विजय तो अर्जुन की ही होगी, बस उसे शांत और स्थिर रहने की आवश्यकता है। चाहे जितनी माया फैलानी है फैला लो अश्वत्थामा, जितने छल करने हैं कर लो, परंतु सब मिलकर भी अर्जुन को परास्त नहीं कर पाओगे। तुम अर्जुन का सामना कर रहे हो, अर्जुन का। ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियां दी और एक सच्चे धनुर्धर के पास एक और इंद्रिय होती है, अब वह है आभास। लक्ष्य को भेदने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ध्वनि तुम्हारे कान सुनेंगे और तुम्हारे हाथ बाण चलाएंगे। शिरास्त्र शब्द भेदी संधान के भांति प्रयुक्त होता है। इसकी काट केवल एक महान धनुर्धर ही कर सकता है, अति उत्तम अर्जुन, अति उत्तम। द्वंद में कौन जीता कुंती? उत्तर कुमार अर्जुन की। उत्तर प्रजा के कोलाहल ने दे दिया। दुर्योधन सुरक्षित तो है ना विदुर? हाँ महाराज, राजकुमार अर्जुन ने नियमों का पालन करते हुए राजकुमार दुर्योधन को परास्त किया है। आज की रंगभूमि का विजेता पांडु पुत्र धनुर्धारी अर्जुन को घोषित किया जाता है।
हस्तिनापुर वासियों, आज अर्जुन मेरे विश्वास पर अपने बाणों से सत्य की मुद्रा छाप। जो बात मैं स्वयं से करता आ रहा हूं, वही बात बड़े गर्व के साथ आप सबके समक्ष करना चाहता हूं कि अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार में ना कोई है, ना ही भविष्य में कोई होगा। आचार्य द्रोण का महान शिष्य है अर्जुन। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर है अर्जुन। अर्जुन जैसा कोई नहीं। और यदि है तो मैं द्रोण उसे चुनौती देता हूं। उसे ही क्या, मैं संपूर्ण संसार को चुनौती देता हूं कि यदि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर है तो मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। कहा था ना रुशाली कि आचार्य द्रोण स्वयं मुझे आमंत्रण देंगे। मिल गया निमंत्रण। शिरास्त्र की काट करने वाला ये धनुर्धर कौन है? एक और परशुराम का शिष्य। किसने इस बंद में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है? ये बाण किसने चलाया? मैंने।
हस्तिनापुर के राजपुत्रों के रंग भूमि में किसने आमंत्रित किया तुम्हें? उत्तर दो। आपने मुझे स्वयं आमंत्रित किया आचार्य द्रोण। मैंने? असंभव। वो धनुष ही क्या जिसकी प्रत्यंचा में तनकार ना हो, वो घुंघरू ही क्या जिसके स्वर में झनकार ना हो, वो ऋण ही कैसा जिसको चुकाने में आभार ना हो, और वो द्वंद ही क्या जिसकी चुनौती स्वीकार ना हो। आपने हस्तिनापुर की प्रजा और माननीय अतिथियों के मध्य चुनौती दी थी, मैंने तो मात्र उसे स्वीकार किया है। यह स्पर्धा केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों के मध्य है और किसी के नहीं। जब तक चेतवंद राजकुमारों के मध्य था, मैं दर्शकों के मध्य बैठा रहा। जब तक आपके वचन अर्जुन की प्रशंसा करते रहे, मेरे बाण मौन थे। परंतु जब आपने संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दी, तब ना मैं मौन रह सका और ना मेरे बाण। जिसे आप मेरा दुस्साहस समझ रहे हैं, वो मेरी विवशता थी आचार्य। एक गुरु ने संसार के समस्त धनुर्धरों को लज्जित करना चाहा, और एक शिष्य को उनकी लज्जा बचाने के लिए आना ही पड़ा। आपके अहंकार की ललकार का उत्तर था मेरा यह प्रहार। 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 मैं सबके समक्ष अर्जुन को द्वंद की चुनौती देता हूँ। 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 मेरे आने का संदेश कल राजसभा में मिल ही गया होगा आपको। आज आपका एक और संदेश समाप्त हो जाएगा। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आपका प्रिय अर्जुन।
कौन है ये मूर्ख युवक विदुर जो आचार्य द्रोण के शिष्य को ललकार रहा है? और मेरा मत है कि इसकी चुनौती स्वीकार करना ही मूर्खता होगी। यदि ऐसा है तो आज मैं अपने आचार्य की घोषणा पर सत्य की मुद्रा अंकित करूंगा। हस्तिनापुर के समक्ष ये सिद्ध करूंगा कि वो सुरक्षित हाथों में। यदि तुम्हारे यहां आने का कारण आचार्य की पुकार है तो मुझे यह चुनौती स्वीकार स्वीकार स्वीकार।